सर सारे इल्जाम जड़े लग हाँ रहे जी हैं हाँ कि जी जी कृपा तुसी संगत नु जवाब दोगे सर आ की हो रहा है हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे विच सर। मैं ताड़ियां गल्लां दा जिन्ना मैनूं पता मैं सारियां गल्लां दा जवाब देंगा जी। दियो सर पहला नंबर ते लाइक है कि आवाज सही आ रही है जी। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है सर। नंबर एक गल तो यह है कि हाली तक प्रधान साहब साबका नहीं ठीक होया है। जब है तक उन्हों का अस्तीफा मंजूर नहीं होंगे तब तक असं उन्होंने साबका नहीं कह सकते। ठीक है ठीक जी। है जी, पहली गल तो यह। दूसरे नंबर के उत्ते यह हैगा है कि दादूवाल साहब ने जिस दिन ये बने ने प्रधान बने ने या तो उदो ही एतराज चकरे जो हूं आके जो ऑडिट का टाइम आया तो हूँ एतराज चकने शुरू हो गए। चलो इन्हों की मर्जी है। तमीजा साहब कहते हैं कि सारे बंदे इन्होंने अपने उत्थे दे लगा ले ने ड्यूटी दे उत्ते। सिर्फ एक बंदा हरप्रीत सिंह जी उन्हां तो इलावा अगर कोई दूजा लगा तो सानू उन्हां दा नाम देन सानू पता लगे। वह भी एग्जैक्टिव कमेटी ने करके उन्होंने लगाया। उहदे विच तमीजा साहब दे भी साइन है ठीक ना कि मेरे मेरे हैगे है। तो इस चीज नूं इल्जाम लगाना किसी बंदे दे उत्ते गलत है। जब तक और बंदे पहले या तो बंद ना भी अलाउंस कर दो भी ये बंदे उन्होंने उत्थे नौकरी करते हैं तो ये बंदे जड़े है इतने हरियाणा कमेटी तो पैसे ले रहे हैं ये गलत गल है। दूसरे नंबर के उत्ते मंत जी का नाम देन वाले तमीजा साहब खुद सके। ओके उत्थे प्रपोज करने वाले तमीजा साहब खुद सके। उदों तक तो वह ठीक सके जदों दादूवाल साहब जी ने अंबाले के अंदर मीटिंग करके ड्रोप टेस्ट की मांग की तद तक वह ठीक सके। उदो तमीजा साहब की भी मांग की तमीजा साहब ने भी डोप टेस्ट मांग की उन्होंने मंगी ठीक सके। तमीजा साहब की दादूवाल साहब जी की दोनों की एक हो गई है तो कले मन साहब जी माड़े है। इदा नहीं होंगे कदी भी गुरु घर के असि सारे जिन्हें सेवादार है सेवक है खिचा गया गल हुई ने उसे सानू नहीं करांगे क्योंकि सानू जिहड़ा है श्री अकाल तख्त साहब वालों रोक लाई गई है। ठीक लेकिन जेड़े जिन्ने भी इल्जाम लगा रहे ने सारे निराधार ने कोई भी सच्चा इल्जाम नहीं है कि मंत्री ने अपने उत्थे डेरे दे बंदे जेड़े इत्थे ड्यूटी दे चढ़ाए है। ठीक है वह भी एक बंदा चढ़िया वह भी इन्होंने खुद एग्जैक्टिव कमेटी ने चढ़ाया।